बोलो जोधा सिंह, क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस खबर मिली थी कि इस बार आप इलेक्शन में सनी को टिकट नहीं दे रहे हैं। तुम बात समझ नहीं रहे हो जोधा सिंह, हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम दोनों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी जोधा सिंह की? आप भूल रहे हैं नेताजी कि आपके कहने से हमने दंगे फैलाए और ये बात पुलिस और जनता दोनों को पता चल जाएगी, फिर आप भी बच नहीं सकते। तो तुम हमें धमका रहे हो? अजी ना ना, मैं तो बस ये कह रहा था कि राजनीति में अगर हमारे जैसों को लेके आगे चलोगे तो आखिर तक साथ निभाना पड़ेगा। एक बात कान खोल कर सुन लो जोधा सिंह, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पता है क्यों? क्योंकि हम एक नेता है और तुम एक गुंडे हो। हम चाहे कुछ भी करें, जनता हमेशा अपना समर्थन नेता को ही देती है और यही जनता मौका आने पर तुम्हारे जैसे गुंडे को सड़क के बीचों बीच कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मार देगी। आज के बाद ना हम तुम्हें जानते हैं ना तुम हमें। अच्छा, बिट्टू अब क्या है? कुछ नहीं, आज के बाद हम कभी मिलेंगे नहीं ना। हाँ ठीक है। इंपोर्टेड है, मक्खन जैसे चलती है। ठीक है, पैसे लाए हो? हाँ लायो ना, ये लो। अरे पैसे दिए, सामान तो दो। देव कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बता दे। नहीं बताऊंगा। अच्छा हाँ सलीम, निकला? निकला नहीं, अब निकलेगा ऊपर। सलीम तुझे समझाया था पहले, माना नहीं। सनी, सनी अगर तुझे कुछ, सनी पटका दे। बबलू फिर से दंगा शुरू हो गया। किसे? तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? फेंको इसे। अबे चल चल चल, तेरी भी तो बारात निकालनी है आज। क्या हाँ?
भाई भाई रुको। लास्ट। इसके दम पे शेर बन रहा है तू। अच्छा सिंह जब भी बंदूक उठाता है तो सामने वाले की जान लेता है, पर आज तुझे बंदूक से न मारूंगा, तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तुम मरने के लिए तरसेगा। सनी। हाँ बापू। मार काले को। बहुत खून पिया साले ने। हमारे यहाँ एक कहावत है, जाट मरा तब जानियो जब तेरवा हो जा। गांव में सब भीम सिंह की औलाद कहते हैं साले, ये तो किसी नामर्द की औलाद है साला। एक मैं गिर गया साला, पटक गया साला। बहुत उछल रहा था बापू। अबे ये तो फिर उठ गया। कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सनी गन नीचे कर। मार सनी। आखिरी बार बोल रही हूँ, गन नीचे कर। सनी मार। बापू। बापू। देव। देव।
अब जो होना था वो तो हो गया सारा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कॉल द एम्बुलेंस।